जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के प्रांतीय अधिवेशन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कहा कि व्यापारी स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखें। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार व्यापारियों के साथ है और राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए फूड इंडस्ट्री को आमंत्रित किया है। बैरवा ने मंडी टैक्स और कृषक कल्याण शुल्क पर व्यापारियों की मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भी वादा किया। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हरियाणा के भिवानी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ के समर्थन में मानहेरू गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मतदान में अधिकाधिक भागीदारी लेने और भाजपा को विजयी बनाकर विकास की नई राह पर आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कुमारी ने कहा कि हरियाणा की प्रगति के सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सशक्त नीतियों और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व का योगदान अभूतपूर्व है। इस बार एकजुट होकर भाजपा को अपना समर्थन दें और फिर से एक बार कमल खिलाकर हरियाणा को एक नई पहचान दें। बिरला सभागार में आयुर्वेदम फाउंडेशन की ओर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ हुआ। ये समारोह राजस्थान आयुर्वेद मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सहयोग से किया जा रहा है। महोत्सव आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाने, चिकित्सा की नई दिशाओं पर चर्चा करने और उद्योग के विशेषज्ञों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने का एक अद्वितीय अवसर है। महोत्सव में देश से 2500 से अधिक आयुर्वेद चिकित्सक, 100 औषध निर्माता कंपनियां और 35 प्रमुख वक्ता शामिल हुए। यहां आयुर्वेद क्षेत्र के विशिष्ट चिकित्सक और देश भर से आयुर्वेद जगत की प्रमुख हस्तियां अपनी ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रतिभागियों को प्रेरित किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से समान पात्रता परीक्षा यूजी लेवल की शुरुआत हुई। परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया गया, जिसके चलते विद्यार्थी सुबह 6:30 बजे से ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए थे। परीक्षा केंद्रों पर जांच के बाद प्रवेश दिया गया। परीक्षा के चलते बसों में छात्रों की भीड़ नजर आई। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर छात्रों की भारी भीड़ देखने को मिली। छात्रों को निजी बसों में भी बिना सीट के ही सफर करना पड़ा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शुक्रवार को अजमेर में 64 परीक्षा केंद्रों पर समान पात्रता परीक्षा 2024 यूजी स्तर आयोजित की गई। परीक्षा 2 पारी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक हुई। परीक्षा के लिए कुल पंजीकृत अभ्यर्थी 19,585 हैं। परीक्षा के कारण कई स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश घोषित किया गया। प्रथम पारी में 17,025 अभ्यर्थियों में परीक्षा दी और 2,560 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। प्रथम पारी में उपस्थित 86.92% रही। इसी तरह दूसरी पारी में 17,269 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 2,316 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। दूसरी पारी में उपस्थित 88.17% रही। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। अजमेर जिला प्रशासन ने परीक्षा के लिए 10 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड में 1 RAS, 1 RPS और 1 जिला शिक्षा अधिकारी शामिल है। कुल 10 टीमों में 64 अधिकारी शामिल है। परीक्षा संचालन के लिए कलेक्टरेट में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। इसके दूरभाष नंबर 01452422517 है। ये परीक्षा शनिवार को भी आयोजित की जाएगी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।